نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرَّحْمَةِ إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب أي الله أبني بندوبر بهد مهربان رب أمي موفر ما हमारी कोताहियों को हमारी लफजिशों को हमारी लापरवाहियों को मेरे मालिक माफ़ फरमा एक दफ़ा हमारे दिलों को अपने दीन की जानिब मोड़ देने के बाद कजी और गुमराहि की जानिब मत मोड़ना ईमान पे जिंदा रखना हमें हदायत देना ऐ अल्लाह हमें दूसरों की हदायत का सबब बना देना आमीन आमीन हमने दूसरा पारा शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा पारा अरबा हो गया है और आज हम वन 176 सिक्स वन सिक्स नंबर आयत से इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं तो चलें आप लोग अपने कुरान करीम खोल लें वन सेवेंटी सिक्स नंबर आयत पे आ जाएं देखें अरबा जहाँ पर ख़त्म होता है आयत का आखिरी लफ्ज है लफी शकाकिन بعید 76 नंबर आयत खत्म हो गई अब हम शुरू करेंगे 177 नंबर आयत اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لیسا نہیں ہے बिर अंत वलो हे के तुम कर लो फेर लो वजूहुकुम अपने चेहरे अपने मुंह ए बाला तरफ मशरिक मشرक की वल मगरिबी और मगरिब की वलाकिनल बिर्र लेकिन नेकी मन जो आमन ईमान लाए بالله अल्लाह पर वल यौमिल आखिरी और ईमान लाए कयामत के दिन पर यौम दिन आखिरी आखरत वल कती और फरिश्ते वल किताबी और किताब पर वन नबी जीन और तमाम नबियों पर व आतल माला व आता और दे माला अपना माल आला खुबी ही इसकी मुहब्बत पर रवील कर्बा रिश्तेदार यतामा और यतीम लोग और मस्किन लोग वब नसबील और मुसाफिरों को वाई लीना और सवाल करने वाले व वा फिर रिकाब और गर्दनों को छुड़वाने वाले व वा आकम सलाता और कायम करे सलाता नमाज को व आतल व आत जकाता और अदा करे आता अदा करे जकता जकत वलमू फूना और पूरा करने वाले बेहदिम अपने वादों को इजा जब आहद वो वादा कर लें व शॉबरीना और सबर करने वाले फिलस बा में, में वरि और तकलीफ में वाहन और वहीना वक्त बांगल्ला दीना यही वो लोग हैं का यही लोग लदीना वो लोग जो सौदा को इन्होंने सच कहा व उलाका और वही लोग हैं जो के परहेजगार हैं अब हम इस आयत का बा मुहावरा तर्जमा देख लेते हैं नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरे मशरक और मगरब की जानिब कर लो बल्कि नेकी की ये है कि आदमी अल्लाह को योम आखिर और मलाइका को और अल्लाह की नाजल की हुई किताबों और इसके पैगंबरों को दिल से मान ले और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल रिश्तेदारों यतीमों मस्किनों और मुसाफरों पर मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर गुलामों की रिहाई पर खर्च करे नमाज को कायम करे और जकवात अदा करे और नेक वो लोग हैं कि जब अहद करें तो उसे वफा करें उसे पूरा करें यानी और तंगी और मुसीबत के वक्त में हक बातिल की जंग में सबर करें यही सीधे रस्ते पर चलने वाले लोग हैं और यही मुत्तकी लोग हैं अब हम इस आयत को देखेंगे कि हमने अभी पिछले आ, पिछ, आ, पिछली आयत में शुरा वक्रा ही में पढ़ा था ना तहवील किबला का जब ये दूसरा सपारा शुरू होता है क्योंकि किबला की बदली करने का हुक्म आया था तो उस वक्त लोगों में बहस मुबाहसा शुरू हो गया कि यहूदी कहते थे और मश्रक मक्का जो हैं उनके दरमियान किबले की बातें कि हम हमारा किबला सच है हमारा किबला सच है तो ये वाली जो आयात हैं ये उनकी इस बात को रद्द करती है कि असल नेकी क्या है असल नेकी ये नहीं है कि हम अपना मुँह मशरक़ की जानब करें या मगरीब की जानब यानी असल नेकी ये नहीं है कि सिर्फ अल्लाह के बताए हुए घर की जानब हम मुंह करके नमाज अदा करें बल्कि अल्लाह क्या कह रहे हैं कि असल निकी ये है कि आदमी ईमान लाए जो में आखरत पर और मलाइका पर आगे जो ईमान लान ईमान लाना और ईमान लाने की जो शरात हैं वो सारी की सारी इस आयत में बयान कर दी गई हैं कि निकी सिर्फ यही नहीं है कि हम नमाज अदा कर लें ठीक है और अपने जो बाकी के फ़रज़ अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर जो फ़र्ज की है बातें जो बाकी के अहकाम अल्लाह ने इंसान को कहे हैं इंसान उनको छोड़ दे उनको भूल जाए ऐसा कतन नहीं है असल नेकी क्या है असल ने की यह है कि यानी मशरक की और मगरब की तरफ मुंह फेर लेना और नमाज अदा कर लेना ये ईमान लाने के बाद पहली जो शर्त है वो क्या है वो नमाज है हम जिसने कलमा पढ़ लिया उसके ऊपर नमाज फर्ज हो गई वो अब उसको किसी सूरत की नमाज को जानबूझ के कजा नहीं कर सकता वो बड़े सख्त अहकाम हैं फिर नमाज अदा करने के बाद क्या है कि अब इस बात पे कोई बहस नहीं है कि इसका किबिला उसका किबिला जिधर रसूल्ला ने कह दिया अल्लाह का हुक्म उतर आया बस उसके ऊपर कोई बहस नहीं है जिधर नबी करीम ने फरमा दिया उधर ही मुँह करके नमाज पढ़ना यानी अतात रसूल ठीक है उसके बाद फिर अगली बात आ गई कि ईमान लाने के बाद फिर मन आमना बिल्ला बल यौमिल आखिरी जो ईमान लिया है अल्लाह पर और आखरत पर और मलाइका पर वल किताब ये और किताब पर वल नबी जीन और नबियों पर अच्छा ये वाली जो शर्तें यहाँ पर अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि अल्लाह पर ईमान आखरत पर ईमान फरिश्तों पर ईमान और किताब और नबियों पर ईमान ये वाले तमाम के तमाम ईमान क्या हैं इनका जुबान से इकरार करना और दिल से इन बातों को तस्लीम कर लेना ये ईमान है ठीक है अब इसमें आगे फिर करने के काम है इन बातों पर हमने ये करार कर लिया दिल से इन बातों को यकीन कर लिया दिल से तस्लीम कर दिया अब हमारी जो फिजिकल जिम्मेदारियां हैं वो क्या आ जाती हैं व आत ने जो माल हमें दिया है उसकी माल जब माल मिलता है ना इंसान को तो उस माल की मोहब्बत भी फिर दिल में होती है ये नहीं है कि माल है तो माल की मोहब्बत नहीं या माल की मोहब्बत माल के साथ ही दिल में आ जाती है इसीलिए नबी करीम वसल्लम ने जो माल आ, आ, जो यानी दुआ हमें मांगनी सिखाई है ना जिसमें हम अल्लाह ताला से रिस्क और फजल की दुआ मांगते हैं उसमें अल्लाह ताला ने आगे उसी दुआ में आगे जो है वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मांगना सिखाया है क्योंकि आका अलैहि व सलाम के जो कलमात हैं जो उन्होंने उम्मत को सिखाए वो बड़े जामिया कलमात हैं तो इसमें क्या है अल्लाह मकफफ़ीनी बेहाली का क्या तू मेरी कफायत कर हर हराल से अन हरामी का बचा ले मुझे हराम से व अवनिनी बेफली और तू मुझे बेनियाज कर दे व अवनिनी मुझे कर दे, मुझे कर दे की, की दुआ करनी इंसान को यानी एक मोमिन के लिए ये कोई गुनाह की बात नहीं है कि वो अल्लाह से पाक पाकिजा तय्यब रिसके हलाल की कसरत मांगे उसको मांगना कोई गुनाह नहीं है हम मांग सकते हैं अल्लाह से लेकिन उसके साथ साथ हम ये दुआ करें कि अल्लाह हमें माल के फितने में मुबतला ना कर माल का फितना क्या है कि माल आने आ जाने के बाद फिर उसकी मोहब्बत में शदीद हो जाना हलाल हराम को भूल जाना और फिर उसको सीन सीन कर रखना और जहाँ जहाँ अल्लाह ने जब अल्लाह माल देता है ना तो फिर अल्लाह उसको खर्च करने के तरीके जो हैं वो मोमिन को सारे के सारे समझा देता है कि इसको कहाँ कहाँ तुमने खर्च करना है उसको जो खर्च करने के तरीके हैं उसको अल्लाह ताला ने जब समझा दिया तो अब क्या है कि अब मोहब्बत है बड़ी दिल में माल खर्च करना बड़ा मुश्किल लगता है ठीक है किसके ऊपर मुश्किल लगता है जिससे कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है ये नहीं है कि माल आ गया तो जो गरीब है जिनका हक अल्लाह ने हमारे ऊपर गरीब रिश्तेदार हैं जकवात फर्ज कर दी गई और फिर जिन, जिन जिन जो मांगे जो ना मांगे जो 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 अल्लाह ताला ने हमें उसके बारे में क्या है कि सब कुछ समझा दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या समझाया कि जब जब माल मांगो उसकी मोहब्बत जो है वो ना मांगो क्यों आगनी फदली और उसे बेनियाजी दे माल होना बुरी बात नहीं है लेकिन माल की मोहब्बत में शदीद हो जाना वो जो है उससे फिर ईमान जो है हमारा खतरे में चला जाता है ठीक है ये बिल्कुल इसके ऊपर एक अब्दुल कादिर जलानी का मुझे वाक़ याद आ गया कि एक मरतबा क्योंकि हमारे यहाँ भी अक्सर ये समझा जाता है कि जो अल्लाह वाला है जो अल्लाह की बात करता है वो बिल्कुल चीथड़ों में हो बिल्कुल गरीब हो उसके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए वो तो बड़ा अल्लाह वाला उसने दुनिया का माल क्या करना है ठीक है ना तो ये कॉन्सेप्ट भी ठीक नहीं है इसको हम समझेंगे कि एक मतबा हजरत शेख अब्दुल अब्दुल्कर जरानी जो है वो जा रहे थे और आपने बड़ा कीमती जो थी जेब तन की हुई थी अपने ऊपर अबा जो थी और उनकी अबा की जो कीमत थी वो लगभग जो किताबों में हमें लिखा हुआ मिलता है सत्तर हज़ार दिनार की वो जो था उन्होंने ऊपर से अबा पहनी हुई थी अपनी यानी बेहद कीमती आबा थी अब किसी शख्स ने जैसे आज भी होता है ना कि अगर कोई शख्स अल्लाह का नाम लेवा है और वो किसी किसी अच्छा लिबास पहन लिया किसी अच्छी गाड़ी में बैठ गया

और उसने कहा कि ये तो इतना यानी मैंने हमने ये सुना है कि ये बहुत अः जो है वो अल्लाह के वली हैं और उन्होंने इतनी कीमती जो है वो जेबतन की भी अब तो वो ये बात सोच रहा है और देख रहा है यानी उसके दिल में उनके लिए कुछ अजीब गुमान पैदा हो रहा है तो उसी वक्त एक शख्स आया और उसने हजरत शेख अब्दुल कदर जरानी से कहा कि मुझे कुछ आप अता फरमाएँ मेरी मदद करें मगरी बात तो आपने क्या किया आपने अपनी वही जो आबा थी कीमती इतनी नबा उतार के उसको दे दी वो अब ये शख्स जो है जिसके दिल में बदगुमानी आ रही है ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है ये देख रहा है वो के चला गया आ, 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 और क्या था किसने कहा कि वाकई ये बड़ा अमीर आदमी है कि आ, और बड़ा अल्लाह वाला है कि देखिए इतनी कीमती अबा इसने दे दी अल्लाह की राह में जब वो चला गया तो उसके बाद जो था आ, वो जो शख्स लेके गए थे वाह गरीब बंदा वो भी एक अल्लाह का यानी क्या कहना चाहिए जरूरतमंद था उसने उसको तो पैसे चाहिए तो उसने इतनी कीमती अबा अबा क्या करनी थी उसने जाके वो जो लिबास था उसको बेच दिया किसी के पास जब बेचा और अपने पैसों से जरूरत पूरी की और चला गया और उसके बाद क्या है कि कोई लोग थे दूसरी इलाके से दूर दूर से लोग मिलने आते थे अल्लाह के नेक बंदों को तो वो दूसरे इलाके से कोई लोग जो थे वो मिलने आ रहे थे और उन्होंने सोचा कि हम शेख को मिलने जा रहे हैं तो उनके लिए कोई तोहफा लेके जाए वो कोई बहुत अमीर लोग थे उन्होंने उस दुकान पे वही अबा लटकी हुई देखी तो उन्होंने कहा बड़ी कीमती आवा है तो हम यही ले जाते हैं शेख को तोहफे में देंगे तो उन्होंने क्या किया कि वो अबा ख़रीदी और ले जा उनको दे दी और उन्होंने फिर उसको जेब तन कर लिया मतलब कि अल्लाह की मोहब्बत जो है वो माल में इस तरह होना माल हो और उसमें इतनी शदीद मोहब्बत हो जाए कि इंसान अल्लाह के जो हकूक व फ़राज हैं हमें बताए गए खर्च करने के उससे इंसान बेबहरा हो जाए ये बात खतरनाक है माल होना और अल्लाह का माल जब नस्फ फजल इंसान के ऊपर हो और उसकी शख्सियत से उसका इजहार करना लेकिन रिया और उससे तकबुर से बच के अच्छे तरीके से उसका इजहार करना ये कोई बुरी बात नहीं है ये खिलाफ शरीयत नहीं है यहाँ से ये पता चल रहा है कि अल्लाह ताला जो है उस उसने जो माल दिया उसकी मोहब्बत भी है इंसान में अल्लाह कह रहे हैं कि उसको जवील वल यतामा ये अपने पसंदीदा माल को खर्च करना करते हैं रिश्तेदारों पर यतीमों पर मस्किनों पर मुसाफरों पर और मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और ग़ुलामों की रिहाई पर यानी जो कैदी हैं उनका फिदिया देने के लिए भी माल जो है वो खर्च करते हैं नमाज को कायम करते हैं और जकवात को अदा करते हैं और नेक वो लोग हैं कि जब अहद करें तो उसे वफा करें उसे पूरा करें तंगी और मुसीबत के वक्त में और हक को बातल की जंग में सबर करें यही लोग हैं रास्तबाज हैं रास्ते सीधे है पर हैं और यही लोग मुतकी हैं तकवा वाले लोग यही हैं अब हम हाँ ये देखते हैं कि ये एक एक आयत है और इसमें पूरे का पूरा जो है एक बेहतरीन मुसलमान की शख्सियत का जो खुलासा है वो पेश कर दिया गया एक ये वाली जो आयत है ये इंसान की एक मुसलमान की शख्सियत की पूरी अक्कासी कर रही है क्या अक्कासी की जा रही है कि वो जब जंग के दिन है मुसीबत के दिन है तो उस वक्त ये लोग सबर करते हैं आपको अकोबातल की जंग है तो बड़ा मुश्किल वक्त होता है ना तो उस वक्त ये नहीं है कि उस वक्त ये अपने ईमान को कोसने बैठ जाए जैसा कि वो लोग जब मुश्किल वक्त आता था साहबा कराम की शहादतें होती थी जो मुनाफिक थे वो क्या करते थे कि वो अंदर ही अंदर जड़ें काटते थे और लोगों में बदगुमानिया फैलाने लगते थे देखा तुम लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो अब तुम लोगों के ऊपर क्या मुसीबतें आ गई है नहीं ईमान वाले हमेशा सब्र करते थे और सब्र करने के सबर करते थे और अल्लाह ने क्या कहा है? कि यही लोग हैं जो सीधे रस्ते पर हैं रास्ते हैं और यही लोग अल्लाह कह हैं अब मुत्तियों की अब हमें अगर कोई बंदा जो है उसकी पहचान करनी है तो उसके लिए हमें क्राइटेरिया भी दे दिया गया क्या क्या उसका क्राइटेरिया है कि वो अल्लाह पर ईमान लाता है योम आखरत पर ईमान लाता है मलाइका यानी ये पर ईमान लाता है इनमें से एक चीज भी अगर स्किप कर दे तो तकवा जो जो है वो नहीं मिल सकता ईमान का जो लेवल बता दिया गया कि यही शख्स ईमान वाला है वो ईमान वाले की सफ से निकल गया अब हम देखें अल्लाह पर ईमान लेके आना योम आखरत पर ईमान लेके आना बाज़ लोग जो आज भी हम देखते हैं कि आखरत पर भी ईमान है अल्लाह पर भी ईमान है अब क्या है कि गैब पर ईमान नहीं है मलाइका क्या है मलाइका गैब नहीं है ना तो मलाइका पर कोई ईमान नहीं तो ऐसा नहीं है इन तमाम चीजों पर ईमान लाजम लाना है ये सारी सारी क्राइटेरिया इन सारी क्राइटेरिया को सारी बातों को पूरा करना है अल्लाह पर ईमान आख़रत पर ईमान मलाइका यानी फरिश्तों पर ईमान वल किताब और किताब पर ईमान व नबी सारे नबियों को हक़ सच मानना कि सारे नबी अल्लाह के भेजे हुए हैं और अपना माल जो है उस माल की मोहब्बत के बावजूद माल को ख़र्च करना कराबत पर पर यतामा यतीमों पर मस्किनों पर और वनबील और अल्लाह की रहम वसा और सवाल कर वाले व फिर रिकाब और गर्दने छुड़ाने पर वाक मुसलात और यही लोग जो नमाज को कायम करते हैं जक़ात को अदा करते हैं और जब ये अहद करते हैं तो उस अहद को पूरा करते हैं ये भी मोमिन की निशानी है कि मोमिन कभी अहद को तोड़ने वाला नहीं होता वह अहद शिकनी नहीं करता जब वो अहद कर लेता है तो वो उसको पूरा करता है बस शॉबीना और वो सबर करते हैं फिल वर तंगी मुसीबत के वक्त सबर करना क्योंकि अल्लाह कहता है ना हर वक्त हर शख्स के हालात हमेशा एक जैसे तो नहीं रहते मेरा अल्लाह कहता है ना अभी से हमने पढ़ा था सूरह बकरा ही में हमने पढ़ा था कि हम दिनों को फेर देते हैं तो इंसान के ऊपर मुख्त अवत बदलते रहते हैं कि जब मुसीबत का वक्त आए तो उस वक्त सब्र करना और क्या है कि जब हक बातिल की जंग का वक्त आए तो उस वक्त भी सबर की जो है रवश को इख्तियार करना ये सारी की सारी जो खूबियाँ हैं जो जरूरी बातें हैं ईमान वाले के लिए वो इस आयत में बड़ी जामयियत के साथ अल्लाह ताला जो है उन्होंने बयान कर दिया अब हम इसे अगली आयत पे आएंगे 178 नंबर आयत या अयुहना ए लोगो वो आमनु जो ईमान लिख है कुतिबा अब ये देखिए कुरान का अंदाज है कहीं पर जो है कुरान कहता है या यो लदीना आमनु ए लोगों जो ईमान है यानी ईमान वालों से खिताब होता है और कहीं पर अल्लाह का होता है या यु नास तो तमाम लोगों के लिए नास के सब लोग तो मतलब ये कुरान मुख्तलिफ अंदाज से अपने जो लोग हैं अपने जो मुखातिब है उनको एड्रेस करता है हमने कुरान के तारफ़ में पढ़ा था ना कि कुरान का मेन जो है मुखातिब वो इंसान है इसका टॉपिक जो है वो इंसान है तो ये इंसान ही को मुख्तलिफ अंदाज में ख़ताब करता है और मुख्तलिफ अंदाज में इंसान की रहनमाई करता है और उसकी तरबियत करता है यादी अमन ए लोगो जो ईमान लाए हो कुतिबा अल कुमुशयाम कुतिबा लिख दिए गए फ़र्ज़ कर दिए गए अल कुम तुम्हारे ऊपर कुतब अल तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया गया कैसास फिलकला मकतूल का बिल उन औरत के बदले औरत फमन उफिया फमन पस जिसे उफिया माफ कर दिया जाए लाहू उसके लिए मिन अकी मिन से अखी उसका भाई शय कुछ

अब ये वाली जो आयतें हैं हम देखते हैं कि ये आयत किन के हक में नाजिल हुई इस इन आयत में एक कानून जो है उससे मुसलमानों को मुतारिफ करवाया जा रहा है पहले हम इसका बा मुहावरा तर्जमा देखते हैं ए लोगों जो ईमान लाए हो तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में कसास का हुक्म लिख दिया गया आजाद आदमी ने कत्ल किया हो तो इस आजाद इस तो तो इसका आजाद ही बदला लिया जाए गुलाम कातिल हो तो वो गुलाम ही कत्ल किया जाए औरत इस जुर्म की मृतकब हो यानी अगर औरत मारी गई तो औरत ही से कसास लिया जाए हाँ अगर किसी कातिल के साथ इसका भाई कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो तो अच्छे तरीके के मुताबिक खून बहा का तस्फिया होना चाहिए और कातिल को लाजम है के सीधे तरीके से खून बहा अदा करे ये तुम्हारे रब की तरफ से तखफीफ है और रहमत भी है इस पर जो ज्यादती करे इसके लिए दर्दनाक सजा है अकलो खिरद रखने वालों तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है उम्मीद है तुम इस कानून की खिलाफ वर्जी करने से परहेज करोगे अब यहाँ इन आयतों में हम देखते हैं कि मुखातिब जो है उस वक्त का मुशरा है और उनके यहाँ क्या रवाज था कि वो लोग कबीले जब आपस में जंगो जदल होती थी लड़ाई झगड़ा होता था तो वो क्या करते थे कि अगर जो ज्यादा तगड़ा कबीला है ज्यादा दौलतमंद है असर रसूख वाला है तो वो कहता था कि हमारा के साथ ज्यादा हो हम ज्यादा कुवत वाले हैं हमारा एक आदमी मारा तो हम तुम्हारे दस मारेंगे या तुम्हारे दो मारेंगे या पांच ऐनी हो जितनी उनकी कु्वत थी मतलब कि इंसाफ के ऊपर फैसला नहीं होता था कुत के ऊपर यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून था उस जमाने में और यहाँ पर जो है इस्लाम कबूल करने के बाद अब डेफिनेटली की जरूरत थी तो अल्लाह ताला जो है उनसे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि जमाना जहलीत के लोगों का यह तरीका था कि एक कौम या कबीले के लोग अपने मकदूल के खून को जितना कीमती समझते उतनी ही ज्यादा कीमत जो है उस दूसरे खानदान या कबीले या कौम से वो लेना चाहते थे और इसके लिए यह होता है कि बाजुकात एक कत्ल होता तो उसके बदले में सैकड़ों कत्ल कर दिए जाते हैं उनका इंतकाम किया अगर ठंडी ही नहीं पड़ती थी लड़ाइयाँ यानी नस्लों तक जाती तो ये चीज़ें इन सब की बेखुदी की इस्लाम इस्लाम में वाज तौर पर कह दिया कि तुम पर क्या कहा गया है कि तुम पर आ, क्या, क्या, क्या किसास लिख दिया गया यानी कत्ल का बदला क्या है अगर एक शख्स ने कत्ल किया है तो उसके बदले में ख्वाब वो दूसरा कबीला अमीर है या गरीब है रसूख वाला है या बिल्कुल बेनाम है उनके लिए क्या है एक का बदला एक है अगर एक आदमी मारा आजाद मारा उसके बदले आजाद और अगर गुलाम मारा गया तो उसके बदले गुलाम अगर औरत को कतल किया गया तो उसके बदले औरत ही जो है उसका बदला होगा और फिर आगे अल्लाह तह रहे हैं कि ये, ये तो पूरा पूरा बदला ना लेकिन अगर कोई शख्स जो है इसमें नरमी इख्तियार करना चाहिए यानी एक तो कतल का बदला कतल है फिर उसमें किसास का कानून आ गया कि अगर कोई शख्स उसमें कुछ पैसे खून बहा फिदिया वो वाले कवानीन सारे इस्लाम ने दे दिए और फिर जहाँ पर यानी अगर कोई शख्स इसमें नरमी इख्तियार करने के सा के लिए तैयार हो तो अच्छे तरीके के मुताबिक जो है खून बहा का तस्वीया होना चाहिए यानी दस्तूर के मुताबिक जो वहाँ के रस्म रिवाज हैं वो उसकी हैसियत है उस शख्स की जिससे कतल हो गया और वो सुलह करना चाह रहा है जो उसकी हैसीियत है वो जितना फिदिया दे सकता है उसको अच्छे तरीके से उसे फिदिया ले, ले लिया जाए और कात, कातिल को लाज़िम है कि अच्छे तरीके से नेक नियति के साथ जो है वो खून भाव को अदा करे और ये यानी एक तो वो था ना कि यानी लाज़म ही है कत्ल के बदले कत्ल नहीं अल्लाह ने इसमें थोड़ी तخفیف भी कर दी आसानी दे दी इंसानों को कि अगर तुम अपना पैसे लेके भी इस चीज का तसवीया करना चाहो अच्छे तरीके से तो वो भी जायज़ है फिर यह कि अल्लाह फिर ये आसानी करने के बाद फरमा कि ये तुम्हारे रब की तरफ से तखफीफ और रहमत है और इस पर जो ज्यादती करे उसके लिए दर्दनाक सज़ा है यानी आ, ये कानून अल्लाह ने बता दिया अब इन कानून की फिर भी कानून अल्लाह के आने के बाद फिर भी अगर कोई ज़्यादती करे कि कहे नहीं मेरा मेरे कबीले का एक बार आ गया मैं तो तुम्हारे दस मारूँगा तो फिर अल्लाह क्या कह रहा है ऐसे लोगों के लिए कह रहा है कि दर्दनाक सजा है और अक्ल रखने वालों तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है जो कसास क्या है खून बहा का अदा करना और उम्मीद है कि तुम इस कानून की खिलाफ वर्जी करने से परहेज करोगे या अलबाब उलिल अलबाब उलिल कौन है अकल वाले लोग तुम मुत्तकी बन जाओ ताकि तुम परहेजगारी जो है वो इख्तियार करो वन 98 जो है ये हमने पढ़ी अब हम 170 ए, 179 पढ़ ली अब हम 189 को देखेंगे कुतिबा फर्ज कर दिया गया लिख दिया गया अलैकुम तुम पर इदा जब हजारा आ जाए احدकुम मौत احدكم तुम में से किसी एक को मौत इन तारा का अगर छोड़ा खैरा माल निल वसीयत उसने वसीयत की للوالدین अपने वालदैन के लिए वा बल अकराबीन और रिश्तेदारों के लिए बिल बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक हक लाजिम है अललमुत अलापर मुतकीन मुत्तकी परहेजगारों पर फमम बद डाला फमन बस जो कोई बद डाला बदल दे हू। इसको हो कि जमीर किसकी तरफ है उस वसीयत की तरफ बादा बाद इसके माँ समिया हूँ उसको उसने सुना फा इन्ना मा तो सिर्फ इफ्मू इसका गुना है अल्लादीना अलापर अल्लादीना वो लोग जो यू बद्दी इसे जिन्होंने बदला हो इसको इन न बेशक अल्लाह करीम समी उन सुनने वाला है आलिम जानने वाला है फमन बस जो कोई खाफा डर जाए खौफ आ, में मुबतला हो मीन से वो मुशीन वसीयत करने वाला जाना फन तरफदारी अव इसमन या गुनाह व असलह फिर सुलह करा दे बई इनके दरमियान फला इसम तो नहीं है कोई गुनाह अलैही इस पर इन बेशक अल्लाह गफूर बख्शने वाला है रहीम रहम फरमाने वाला है अब हम इन आयतों का बा मुहावरा तर्जमा देख लेते हैं वन एटी टू तक हमने आयत पढ़ी है तुम पर फर्ज किया गया कि जब तुम में से किसी शख्स को मौत आए वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो वालदेन रिश्तेदारों के लिए मारूफ तरीके से वसीयत करे ये हक है मुत्तकी लोगों पर फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और इसके बाद इसको बदल डाला तो इसका गुनाह इन बदलने वालों पर होगा अल्लाह सब सुनता है और जानता है अलबत् जिसको यह अंदेशा होकर वसीयत करने वाले ने ना दानिस्ता या जान बूझ हक तलफी की है फिर मामले से ताल्लुक रखने वालों के दरम्यान सुलह करा दे तो इस पर कुछ गुनाह नहीं अल्लाह बख्शने वाला है और रहम फरमाने वाला है इन आयतों के बारे में हम देखते हैं कि मुफस्सरीन लिखते हैं कि जब ये हुक्म उस जमाने में दिया गया था जब विरासत की तकसीम के लिए अभी कोई वाजिया कानून मुकर नहीं हुआ था उस वक्त हर शख्स पर लाजिम कर दिया गया था कि अपने वारसों के लिए जो हिस्सा है वो वसीयत के जरिए खुद मुकर कर दे इसके मरने के बाद ना तो ख़ानदान में झगड़े हों और ना ही किसी की हक तलफी हो बाद में जब वरासत तकसीम के लिए अल्लाह ताला ने खुद एक जावता बना दिया जो आगे सूर निसा में आने वाला है तो नबी करीम सलील वसम ने, ने अहकाम वसीयत और अहकाम मरास की तोज़ी में हंसप दो कायदे बयान फरमाए अब यह कि कोई शख्स किसी वारिस के हक़ हाँ में वसीयत नहीं कर सकता यानी रिश्तेदारों के हिस्से कुरान में मुक्र कर दिए गए इनके हिस्सों में ना तो वसीयत के जरिए कोई कमी बेशी की जा सकती है ना किसी वारिस को मराश से महरूम किया जा सकता है और ना किसी वारिस को इसके कानूनी हिस्से के अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज कोई अजाफी चीज बजरिया वसीयत दी जा सकती है दूसरे ये कि वसीयत कुल जायदाद के सिर्फ एक तहाई हिस्से की हद तक की जा सकती है अब ये आयतें जो है मुफसरीन लिखते हैं कि उस वक्त ही जब विरासत का भी वाजिया कानून नहीं आया था उसके बाद फिर सुर में हम पढ़ेंगे कि वरासत का वाजिया कानून आ गया बेटे के लिए बेटी के लिए बीवी के लिए ठीक है वालदेन के लिए सारे के सारे कवानीन जो है अल्लाह ने वाजिया तौर पर मुक्र कर दिए तो फिर तो कोई वसीयत जो है उसके ऊपर फिर कदगन लग गई उससे पहले यह था कि मरने वाला जो है वो मरने से पहले जो उसके पास माल है उसकी वसीयत करे और उसके ऊपर फिर यह था कि समाइम कुछ लोग जो पुराने वक्त में यह था कि सफ़र पर होते थे या ऐसी जगह पर होते थे जहां वो कोई मौत का टाइम आ गया मौत नजर आ रही है तो कोई लिखने लिखाने का इंतजाम उस वक्त मौजूद नहीं है तो वो जो पास लोग मौजूद होते थे उनको वसीयत कर देते थे कि ये मेरा माल है इसको इस तरह से तकसीम करना और वो जो पास है उसके लिए बहुत बड़ी ये अमानत होती थी कि वो उस अमानत को आगे उसके वर्षा तक पहुंचाए हरफ बरफ जिस तरह उस शख्स ने कहा तो उसके अगर वो जो जो सुनने वाला था जो मौत के के टाइम उस शख्स पास मौजूद था वो अगर बदनीयत हो गया और उसने खुद से उसमें कुछ अः बदल कर दिया तो उसके लिए फिर सख्त जो है अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या है कि उसको गुनागार कहा है जो ऐसा करने वाला है अल्लाह ने क्या कहा है? कि जिसने वसीयत सुनी उसको बदल डाला तो उसका गुना इस बदलने वाले पर होगा ठीक है तो वो शख्स गुनागार होगा और अल्लाह सब कुछ सुनता है अल्लाह सब कुछ जानता है यानी इस दुनिया को तो वो धोखा दे लेगा लेकिन अल्लाह जो है वो सब कुछ सुनने वाला है सब जानने वाला है अलबत् जिसको ये अंदेशा हो, करने वाले ने ना दानिस्ता या कस्तर यानी वो मौत की, की वजह से अगर खुदा हादसा उसकी मत मारी गई है या जान बूझ के कर रहे हैं या ना दानिस्ता उससे जो है किसी की हक तलफी हो रही है ठीक है तो फिर मामले से के, रखने वाले के दरमियान वो असलाह करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं है तो अदा करें तो अल्लाह बख्शने वाला है और वाला है। फिर, जब पूरे कवानीन आ तो फिर वसीयत का भी कानून जो है वो बता दिया गया कि अगर कोई शख्स अपने माल की वसीयत करना चाहता है तो उसके लिए क्या कहा गया कि कुल जायदाद में से सिर्फ एक तिहाई हिस्से की हद तक की जा सकती है क्योंकि जब अल्लाह की राह में खर्च करने का आया था ना कि जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल दे तो लोगों ने अपना पूरा पूरी जो जायदाद दे पूरे पूरे बागत सब जो है ना वो इतना उनका तो ईमान से लबरेज दिल हुआ करते थे तो उन्होंने कहा हम पूरी पूरी जायदादें वक्फ करते हैं तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया फिर वसीयत का कानून आया और क्या कहा गया कि जो हक है अल्लाह ने जो हक मुकर कर दिए वो उनके वारिसों को मिलेंगे ठीक है लेकिन उसके लिए फिर तरीक़ार इस्लाम ने क्या बताया कि एक शख्स की जो टोटल प्रॉपर्टी है कुल जायदाद है उसके तीन हिस्से कर दिए गए दो हिस्सों पर उस शख्स का मरने वाले का कोई हक नहीं है दो हिस्सों की तकसीम कैसे होगी जैसे अल्लाह चाहेगा और एक हिस्सा यानी एक तिहाई जो है वो मरने वाले के ऊपर है कि उसको जैसे चाहे अगर वो चाहता है उसका शौक है कि वो तो अल्लाह की राह में तो अल्लाह के कोई सत्ता जारिया के कामों में अपना माल जो है वो लगा दे या वो किसी एक रिश्तेदार करीबी अजीज कोई ऐसा फर्द है जिसको वो अपना माल एक्स्ट्रा फेवर देना चाहता है या किसी भी मसरफ में वो अपना एक्स्ट्रा माल जो वो देना चाहता है तो उसके लिए अल्लाह ने हुक्म लगा दिया क्या लगा दिया कि टोटल प्रॉपर्टी में से के तीन हिस्से किए जाएंगे दो हिस्से अल्लाह के कानून के मुताबिक तकसीम होंगे एक हिस्से पर उस शख्स का हक है कि वो तो जैसे चाहे उसको उसके मुताबिक वसीयत कर सकता है ठीक है तो अल्लाह क्या है अल्लाह बख्शने वाला है और अल्लाह रहम फरमाने वाला है अब इससे अगली जो आयात है वो रमजानुल मुबारक के बारे में आ रही है आ, उनको हम देखेंगे आ, वन एटी टू आयत तक हमने पढ़ लिया वन एटी थ्री नंबर आय जो है उसको हम देखते हैं यादी न आमनु फिर देखिए एड्रेस किया जा रहा है कि इनसे ईमान वालों से ऐ लोगो जो ईमान लेके आए हो कुतिबा फर्ज कर दिए गए लिख दिए गए अलैकुम अस्सयाम अलैकुम आलेकुं तुम पर स्याम रोजे कमा जैसा कि कुतिबा फर्ज किए गए अलल्लज़ीन अला पर अल्लज़ीन उन लोगों पर मिन कबलिकुम जो तुमसे पहले थे लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेजगार बन जाओ हम इन आयत का जो रोजों के बारे में है पहले हम इनका बाम लफ्जी तर्जुमा कर लें फिर उसके बाद बा मुहावरा करके फिर हम इनकी डिटेल लिखेंगे अय्याम मअदूदात अय्याम चंद दिन मअदूदात गिनती के फमन काना फ मन जो काना हो मिनकुम तुम में से मरीजन बीमार हो औ अला सफर या सफर में हो फद्दत तो वो गिनती में गिनती करे मिन इन उखर दूसरे दिनों से वजीना वा वा और वाला पर परीना उन लोगों पर जो युति कू ना ताकत रखते हों फिदियात फिदिया देना तामक वो मिसकीन को खाना खिलाए फमन ततवा आपस जो कोई ततवा खुशी से करे खैरन की फाहुआ तो वो खैरुल्लाहु बेहतर है इसके लिए वह अन तसुमो व अन और अगर तसुमो तुम रोजा रखो खैरुल्ला को बेहतर है तुम्हारे लिए इन कुन तुम इन अगर कुन तुम हो तलम जानते शाहरु रमजान अल्लाजी शाहर महीना रमजान रमजान का अल्लादी जिसमें उन जिला नाजिल किया फी ही इसमें कुरान। कुरान हुदल लिन्नास। कुरान क्या है? हदायत है और फुरकान है। फुरकान क्या होता है हक और बातिल में फर्क करने वाली चीज जो है उसको कहा जाता है फुरकान फमन बस जो कोई शाहिदा पाए मिन को मुशाह तुम में से शाहरा महीना फल या सुम बस चाहिए कि वो रोजे रखे वमन काना वमन और जो कोई काना हो मरीज़न मरीज यानी भी बीमार भी हो अ पर सफर इन सफर में फायदा तुम तो पूरी करे गिनती पूरी करे मिन अमिन उखर मिन से अजामिन उखर दूसरे दिनों से युरीदु युरीदु चाहता है चाहता है अल्लाह, अल्लाह युसरा तुम्हारे लिए आसानी करना वाला यीदू और नहीं चाहता बेकोम उसरा तुम्हारे लिए दुश्वारी पैदा करना यानी तंगी तुम पर नहीं चाहता वाली तुक मिलता ताकि तुम पूरी करो करोदाता गिनती वाली तू वली तो कब्बिर और तुम बड़ाई बयान करो अल्लाह की अला पर मा हदाकुम जो के तुम्हें हदायत दी वलाकुम ताकि तुम बन जाओ तशकुरून शुक्र गुजार शुक्र अदा करने वाले व वा इदा सला का और जब सवाल करे पूछे इबादी मेरे बंदे अन्नी मेरे मुताल व इन्नी करीब तो बेशक मैं करीब हूँ उजीबू मैं जवाब देता हूँ कबूल करता हूँ दावत दाई दौ, दावा दुआ को दाई पुकारने वाली की इरा जब दानी वो मुझे पुकारे वो मुझसे मांगे फल यस्ता जीब पश्चाहिए के हुक्म को माने ली मेरा वल यु और ईमान लेके आए मुझ पर लाअल्लाहुम ताकि वो यरशुदून हदायत पाए वहिल्ला लकुम जायज कर दिया गया लकुम तुम्हारे लिए लैलतस्याम लैला रात को श्यामा रोजे की रफासू बेपर्दा होना इला निसाईकुम अपनी औरतों के पास हुन्ना लिबासुल्लकुम हुन्ना वो औरतें लिबासुल्लकुम लिबास हैं तुम्हारे व अंतुम और तुम लिबासुल्ला हुन लिबास हो उनके लिए अलीमा जान लिया अल्लाह अल्लाह ने अन्नकुम के तुम कुंतुम थे तख्ता तुम खयानत करते थे अनफुसकुम अपनी जानों में अपने आप में फताबा तो माफ कर दिया अलैकुम तुमको वाफा और दर गुजर कर दिया अनकुम तुमसे फल आना पस आओ बाशिरु हन्ना इनसे मुबाशरत करो वबतहु और तलब करो ढूंढो तलाश करो मा माँ का जो लिख दिया अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए वकुलू और तुम खाओ व और तुम पियो हत्ता यहां तक के यना वाजे हो जाए لكم الخيط الأبيض لكم تمهاري خيط الدهاري أبيض سفيد من الخيط الأسود من سے خيط دهاري أسود من الفجر من سے فجر فجر ثم فر أتموا تمكرا شياما روزا إلى الليل راتك. वला तु और तुम ना मुबाशरत करो तुम ना मिलो उनसे वह अन और तुम हो आकिफूना मोत के फिल मसाजिद मस्जिदों में तिल का हदूदुल्लाह ये हदे हैं अल्लाह की फला तक रूहा बस तुम मत करीब जाना इन हदूद के कजालिका इसी तरह युबैनुल्लाह अल्लाह वाज़े करता है आयाती ही अपनी आयतें लोगों के लिए ताकि वो परहेजगार हो जाए ये वाली जो आयतें हैं हम देखते हैं कि ये रमजानुल मुबारक के बारे में नाजिल की गई हैं ये ये आयतें और इन तमाम जो ये आयत हमने वन आ, एटी सेवन। ये आयतें वन एटी थ्री से लेके वन एटी सेवन तक ये आयतें इनमें पूरे का पूरा जो रमजानुल मुबारक की जो रोज़े हैं उनकी फर्जियत और इनके अहकाम जो हैं वो डिटेल से बयान कर दिए गए क्राने क्रीन के जामिया कलमा जो, जो, जो हैं बिल्कुल मुख्तर बात और तमाम बात जो है उसकी वजाहत इसमें हो जाती है अब हम इन आयतों का बा मुहावरा तर्जमा देखेंगे यादी न आमन लोगो जो ईमान लाए हो तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले अंबिया के पैरों पर फर्ज किए गए थे इससे तो है कि तुम में तकवा की सिफ्त पैदा होगी चंद मुकर दिनों के रोजे अब हमने इन आयतों को जब देखा तो क्या है कि ए लोगो या यु आमनू आमन कुतबा आमस्याम के तुम पर रोजे जो है फ़र्ज कर दिए गए कमा कुतिबा जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर किए गए गएीना मिन कबलिकुम लाल ला तत्कुन ताकि तुम मुतकी हो जाओ यहाँ पर अल्लाह ताला इस आयत में क्या कर रहे हैं वजाहत बयान कर रहे हैं कि रोजे की फर्जियत का मकसद क्या है भूखा प्यासा रहना मकसद तो नहीं है ना मकसद क्या है कि रोजे की फर्जियत का मकसद ये है कि इंसान में तकवा पैदा हो रोजा क्या है रोजा जायज बातों से भी रुक जाने का नाम है रोजा जो है वो एक ऐसा इंसान का एक कॉन्शियस पीरियड है टाइम ऑफ पीरियड ऐसा है कि जिसमें इंसान पूरे शूर के साथ अल्लाह के हजूर यकसू रहता है कि छोटी से छोटी भूल चूक भी जो ना हो जाए मेरा रोज़ा ना खराब हो जाए यही है ना कि यानी रोजे के दौरान आप देखिए इंसान जब नॉर्मल जिंदगी में हम होते हैं तो बहुत सारी गलतियां कोताहियाँ हम करते हैं लेकिन रोज़े के दरमियान जो जायज़ है हलाल है उससे भी हम बहुत कॉशियसली जो है वो अवॉइड कर रहे होते हैं कि कुल्ली भी करते हैं तो बहुत ध्यान से वजू भी करते हैं तो बहुत ध्यान से कि हलक से एक ड्रॉप भी पानी का नीचे ना उतर जाए हमारी हमें अपनी निगाहों की हिफाजत की बड़ी फिक्र पर जाती है मेरा रोज़ा ना खराब हो जाए कुछ ऐसा गलत ना मैं देख लूँ कोई बात करनी है तो उसमें भी हम कॉन्शियस होते हैं जुबान की हिफाजत जो है हम करने लग जाते हैं तो एक एक हम यकसुई अल्लाह के हजू हजूर हजूरी की कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है और जो ही रोज़ा खुलता है वो फिर एक लापरवाही की कैफियत हमारे अंदर आ जाती है तो वो जो बुजुर्गों ने दी है ना वो कहते हैं कि मोमिन की तो पूरी जिंदगी ही ऐसे है कि जैसे वो रोजे में है और ईमान वाला तो हकीकतन ऐसे ही है ना कि वो ईमान वाला सारा दिन जो है वो इस बात पर लगा रहता है कि अगर वो रोजी कमा रहा है तो वो ऐसे है कि कहीं भी कोई एक नवाला एक जर्रा एक पैनी जो है वो भी ऐसा ना हो कि हराम की मिल जाए उसके रिस्क में वो उसमें बड़ा कॉन्शियस होगा और खाने पीने में भी खुराक का मामला आएगा तो वो तब भी होगा कि नहीं किसी तरह भी कोई ऐसा कुछ नहीं खाना कि जिससे खुदा ना खासा हराम का नवाला मुंह में चला जाए क्योंकि एक नवाला हराम का खाना जो है वो फोटी डेज़ इंसान के अंदर उसके असरात रहते हैं और उसकी दुआ कबूल नहीं होती बहुत सख्त अहकाम है रिस्क को पाकिज़ा और तैयब रखना और एक सहाबी ने अर्ज़ किया था ना कि यार यारसोल्ला मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मेरी दुआ कबूल हों तो नबी करीम सल वम ने कहा था कि अपने रिस्क को पाक रखो तो जो पाकिज़ा रिस्क है इससे क्या होता है कि इससे इंसान मुस्त हो जाता है उसकी दुआई कबूल होने लगती हैं तो हमें आज हमें बहुत ये टेंशन है हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो दुआएं कबूल ना होने की और कबूल होने का जो गुर है जो टिप अल्लाह ने हमें दी है हमें उसको देखना अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो हमें एनालिसिस करना है सबसे पहले अपने जिसक का कि हम खाने पीने में तो कहीं हमसे लापरवाही नहीं हो रही कहीं कहीं लुक में हराम जो है वो लापरवाही से हमारे अंदर तो नहीं जा रहा कि हमारी इबादत भी कबूल नहीं होती हमारी दुआएँ भी कबूल नहीं होती तो रोजे का जो मकसद है रोजे की जो रोजा जो है ना एक्चुअली ये मुशर्कन मक्का में ये लोग अपने घोड़ों को रोजा रखवाया करते थे, थे रोजे का जो लोघवी जो मतलब है है वो रुक जाना ना तो आ, उनके यहाँ हाँ, यानी दो ही जानवर थे जो जंगों में इस्तेमाल होते थे सफर में इस्तेमाल होते थे एक तो ऊँट था और एक घोड़ा था ऊंट जो है उसके अंदर बड़ा ये इस मामले में सब्र पाया जाता है कि वो मौसम की सख्ती बर्दाश्त कर लेता है खाने पीने की तंगी हो वो कंफर्टेबल है वो आपको सफर में भी तंग नहीं करेगा उसको खाना नहीं मिला पानी नहीं मिला वो चलता रहेगा लेकिन घोड़ा जो है ये सर्कस जानवर है घोड़े को अगर पानी नहीं मिलेगा खाना नहीं मिलेगा तो ये सरकशी करता है और जंगों में तो घोड़े इस्तेमाल होते थे ना तो इसलिए वो घोड़ों को सुधाते थे उनकी तरबियत करते थे उनको भूखा रखते थे और वो कहते थे कि हमने अपने जो सुधाने का पीरियड था ना जिन घोड़ों को जंगों के लिए तैयार करना मकसूद होता था तो मुशर्कन अरब जो थे उनका ये वतीरा था कि वो उनको वो कहते थे हमने इनको सोम सोम का लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि यह सोम इनको प्रैक्टिस करवाई जा रही है सोम रखवाया जाता है तो उसमें क्या करता था मालिक उसको भूखा प्यासा रखता था और फिर वो अपना ठाठा जो 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 है वो अपनी मुंह पे बांध के जो उनके हाँ, जो बहुत सख्त जिसको कहते हैं रेतली हवाओं के झक्कर चलते थे वो उसमें खड़ा होता था अपने घोड़े को लेकर ताकि वो मौसम की सख्ती को बर्दाश्त करने ले और भूखा प्यासा रखा जाता था उसको उसकी तरबियत की जाती थी ताकि उसकी सरकशी को दूर किया जा सके उनके यहाँ सोम का ये कॉन्सेप्ट था जब मुसलमान हिजरत करके मदीना शरीफ आईया तो यहाँ अहले किताब लोग थे तो अहले किताब में रोजे का कॉन्सेप्ट जो था वो मौजूद था और उनके यहाँ यह कॉन्सेप्ट मौजूद था और वो लोग रोज़े रखते थे जैसा कि हमें मिलता है कि जब नबी करीम सल्ला वल्लम मदीना शरीफ आते हैं तो उन्होंने यहूदियों को देखा कि वो तो दस मुहर्रम का रोज़ा रखते थे तो आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें फ़िरौन से निजात मिली थी तो वाक ने कहा कि हम तो तुमसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं इस बात के तो फिर आपने भी रोज़ा रखना शुरू किया और आपने अपने आप को भी हुक्म दिया लेकिन आपने ये कहा कि इसके साथ एक रोज़ा और मिलवा लो ताकि उनसे मुशाभत ना हो ठीक क्या गैर कौम से मुशाबत के लिए जो है मुसलमान को मना किया गया है तो रोजे का मतलब हमने देख लिया रोजे का मतलब क्या है कि रुक रुक जाना भूख प्यास खाना पीना जो है इससे रुक जाना और देखें इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या था कि घोड़े की सरकशी को तोड़ते थे वो भूखा प्यासा रख के बिल्कुल इसी तरह इंसान का जो नफ्स है इसमें सरकशी है और ये अपनी मनमानी चाहता है अपना इख्तियार चाहता है हर वक्त गजाएं चाहता है अच्छा अच्छा खाना पीना जो है वो इंसान को बड़ा मरबूब है इंसान के नफ्स को बड़ा मरबूब है तो अल्लाह ने कहा है पाक और तयब चीजें तुम खाओ लेकिन एक पूरे साल में एक महीना अल्लाह ने प्रैक्टिस करवाई है इस इंसान की इसके नफ्स की कि तुमने तुम्हारे पास सारी नीमतें मौजूद हैं फिर भी तुमने खाना पीना नहीं है क्यों नफ्स की तरबियत के लिए मौजूद है लेकिन क्या है कि उससे रुक जाना आ, एक महीना हलाल से रोकने की प्रैक्टिस है फर्मा बरदारी में इससे क्या है कि इंसान फर्मा बरदारी सीखता है रब की कि सब कुछ मौजूद है नहीं खाना और फिर इस ना खाने पे अल्लाह क्या, क्या कहता है ये इतना ये जो बंदा रोजा रखेगा उसका इतना ज्यादा अजर है इतना ज्यादा अजर है कि अल्लाह कहता है कि इसका अजर मैं बयान ही नहीं करता इसका अजर क्या है कि इसका अजर मैं तुम्हें खुद दूंगा तो बयान नहीं किया गया इसका अजर ये नहीं जैसे हर नमाज का जो हम इबादत देखते हैं ना उनका जब नेकियां जो हम देखते हैं तो उस नेकी का ये जर है इतनी नेकियां मिलेंगी इतनी तो इसको अल्लाह ने अपने लिए रख लिया क्यों क्योंकि रोज़ा एक इतनी राजदारी की इबादत है कि सिर्फ रखने वाले को पता और उसके रब को पता जो उसके साथ 24 घंटे बैठा उसको भी नहीं पता आप छुप के कुछ भी खा सकते हैं अपने नफ्स के साथ खयानत तो भी शख्स कर सकता है ना तो रोज़ा खालिश अल्लाह के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है और उसका बंदा जानता है रोज़ा है कि नहीं और इसका जो अजर है वो भी ने का मेरे जरिए तो रोजे के जरिए जो है इंसान की इतनी खूबसूरती से तरबियत की जाती है तरबियत करवाई गई है कि वो हलाल से रुक जाए और अल्लाह के साथ अल्लाह की हजूरी की कैफियत जो है उसको महसूस कर सके उसकी ट्रेनिंग है हजूरी की कैफियत देखें अगर 12 घंटे 14 घंटे का रोजा है तो 12-14 घंटे में एक लम्हा भी ऐसा नहीं है कि इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाए लापरवाही में भी आप देखें कि ऐसा नहीं होता लाशोर को पता होता नहीं नहीं कुछ अंदर नहीं जाएगा हम खाना पका रहे हैं अफ्तारी बना रहे हैं और ढेरों ढेर खाने हैं हमारे हाथ खाने वाले लेकिन नहीं थोड़ा सा भी नहीं चखना क्यों क्योंकि पता है कि रोजा खराब हो जाएगा सिर्फ अल्लाह के रोजा और फिर इस जो तरबियत है इसका मकसद बता दिया गया कि इसका मकसद ये है कि इंसान मुक्त की हो जाए वो अल्लाह का कुर्ब पाले और फिर अल्लाह ताला ने अब अच्छा अब यहाँ पर एक और बात बड़ी काबिल गौर है कि यहाँ पर जिन रोज़ों की फर्जियत का हुक्म दिया जा रहा है ना यहाँ कहा गया एयामम मदूदात गिनती के चंद दिन और यही लफ्ज़ जो है हम देखते हैं हज के लिए भी इस्तेमाल हुआ ना वो मतलब जब मना में रुक रहे हैं तो वहाँ भी ये लफ्ज़ हुआ कि गिनते मदूदात का लफ्ज़ तो ये मिनिमम मैक्ममम ये लफ्ज़ जो है ये मदूदात एयाम कितने हैं मैक्सीम इसका आ, 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 जो असलाह है उसमें मैक्मम डेज जो है वो नौ बयान किए यानी नाइन डेज में मैक्सिमम है और मिनिमम जितने भी हो जाए एक दो तो, तीन से लेके नाइन डेज तक तो ये इस ये जो मादू के रोजे थे ये स्टार्ट में मदीना शरीफ में जब जाते हैं मुसलमान तो स्टार्ट में जो रोजे फर्ज किए गए थे वो अयाम अबियस के रोजे थे तेरह चौदह पंद्रह तीन दिन का रोजा मुसलमानों पर फर्ज किया गया था और इस तीन दिनों में क्या कहा गया था कि ये तीन रोजे हर महीने उन्होंने रखने होते थे और तुम में से अगर कोई बीमार है सफर पर है दूसरे दिनों से गिनती कर ले और जो रोजा रखने की कुदरत ना रखे वो इसका फिदिया दे दें यानी कि इन तीन दिनों का रोजा फर्ज तो था लेकिन अगर कोई नहीं रखता तो उसके लिए ये था उसने फिदिया दे दिया और उसका हक जो है वो अदा हो गया फिदिया में वो बता दिया गया कि मस्किन को खाना खिलाना इसका फिदिया था कि एक रोजे का फिदिया एक मस्किन को खाना खिलाना है और जो अपनी खुशी से कुछ ज्यादती कर ले यानी ज्यादा भी अगर दे दे तो ये उसके लिए भलाई है अब क्या है कि ये जो ये वाले जो रोजे हैं और इनका जो फदिया देना है ये उन रोजों के लिए था जो अयाम अबियस के थे बाद में जब रमज़ान के रोजे फर्ज हुए वो इसके बाद फर्ज हुए वो अगली आयत में जो आता है वो इसके बाद फर्ज हुए और इसके बाद सन दो हिजरी में रोजों का यह हुक्म नाजिल हुआ था मगर इसमें इतनी रायत रखी गई थी कि जो रोजे को बर्दाश्त करने की कुव्वत रखते हैं और फिर भी रोजा नहीं रखते वो हर रोजे के बदले मस्किन को खाना खिला दिया करें यानी कुमत तो है रोजा रखने की लेकिन अः नहीं रख रहे किसी भी वजह से कि नहीं रखा जा रहा तो उसके लिए क्या उसने फिदिया दे दिया मस्किन को खाना खिला दिया तो उस पर कोई गुना नहीं है तो ये क्या है कि ये ये वाला जो फिदिया देना इस्तात के बावजूद ये उन रोजों के लिए था लेकिन ये रमजान के रोजों के लिए नहीं था रमज़ान के रोज़ों का हम अभी ये इसकी डिटेल हुक्म की हम पढ़ रहे हैं वान तस्म खैरुल्ला और अगर तुम ये समझो तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि तुम रोज़ा रखो ये उनम अभियज के रोज़ों की बात हो रही है ठीक है जो अयाम मादूदात का लफस आया है ये बात हमें वाजा हो जानी चाहिए कि अयाम मादूदात गिनती के रोजे कौन से थे वो तीन दिन के रोजे थे वो फर्ज थे अगर किसी ने रख लिया उसका फर्ज अदा हो गया जिसने फिदिया दे दिया उसका भी फर्ज अदा हो गया उसको उसकी कजा लाजम नहीं थी कजा की रोजों की लाजम है जो रमज़ान के रोजे हैं उनका फिदिया उन लोगों के लिए है कि फिदिया आपने दे दिया ठीक है लेकिन जब आप ठीक हो गए आप सेहतमंद हो गए तो फिर आपने उनको दोहराना है उन रोजों को रखना है बुजुर्स उसके कि जो शख्स बूढ़ा है अब उसको सेहत की कोई उम्मीद नहीं है वो उम्र के इस हिस्से में चला गया कि उसको पता है कि अब दिन ब दिन मजीद बीमारियाँ बढ़ रही हैं कुत कम हो रही है तो उसके लिए फिदिया काबिल कबूल है लेकिन जवान बंदा जैसे खवतिन के मखसूस रोजे जो छुटते हैं अब यह है कि अगर एक छः दिन के पाँच दिन के सात दिन के रोजे छुटे हैं तो उसके बाद लाजमियाँ रखने ठीक है यंग लेडीज के लिए वो लाजम है फदिया जो है वो उसका कफ़ारा नहीं होगा वो दोहराने पड़ेंगे भले आप फितिया दे दें उतने दिन के लिए जितने दिन आप ठीक नहीं हो रहे आप दे सकते हैं ना भी दें दे, लेकिन आपकी सेहत तंदुरुस्ती है तो आपने उनको दोहराना लाजम है अपनी ज़िंदगी में ठीक है ये उसमें ये मखसूस ए्याम के हो गए या उसके अलावा सफ़र की वजह से या किसी भी वजह से रमज़ानमबारक का जो रोज़ा छुटता है उसको बाद में रखना लाजमी है उसका फिदिया किन लोगों के लिए है कि जिनको अब सेहत की उम्मीद नहीं रही ये एक छोटी सी मिसकंसेप्शन है इसको हमने क्लियर कर लेना है और ये जो पिछली आयत में लोग कुछ दलील लेते हैं तो वो दलील उन अयाम अभियज़ थी। के लिए थी ठीक है इसको क्लियर कर लेना शाहरु रमज़ान जी अब यह रमज़ान के रोज़े आ गया रमज़ान वो महीना जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया जो इंसानों के लिए सरासर हदायत और ऐसी वाज तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली हक बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है लिहाज़ा अब जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखें और जो कोई मरीज़ हो सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी कर ले ये भी जो बात मैंने बयान की ना कि अगर कोई किसी वजह से रोज़ा छुट रहा है जैसे खवीन के तो छुटके ही छुटते हैं उसके अलावा भी अगर किसी वजह से छुट रहा है बीमारी की वजह या कोई भी और वजह है तो फिर क्या है कि उसकी क़ा लाजम देनी है है उसकी लाजमी अपनी ज़िंदगी में सेहत तंदरुस्ती के साथ जो है वो कज़ा देनी ही देनी है फिर इस बारे में हम देखते हैं कि मुफ्सरीन लिखते हैं कि हज़र उमर रज़ील की रिवायत है कि नबी करीम सल वसलम के साथ दो मरतबा हम रमज़ानमारक में जंग पर गए पहली मरतबा जंग मदर और आखिरी मरतबा फ़तह मक् के मौका पर दोनों मरतबा हमने रोज़े छोड़ दिए इबन उमर का बयान है कि फ़तह मक् के मौके पर हजूर सल वसलम ने कहा कि यानी दुश्मन के मुकाबला दरपेश है रोजे छोड़ दो ताकि तुम्हें लड़ने की कुत हासिल हो आम सफर के मामले में ये बात कितनी मुसाफत मुसाफत पर रोजा छोड़ा जा सकता है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी इरशाल से वाजिया नहीं होती साहब कराम का अमल भी इस बाब में मुख्तलिफ है ठीक है और ये अमर मुतफी कल है कि जिस रोज आदमी सफर की इब्त कर रहा हो उसी दिन का रोजा अफ्तार कर लेने का उसे इख्तियार है चाहे तो वो यानी सफर के दौरान जो है इंसान रोजा छोड़े लेकिन फिर उसकी गिनती जो है वो दूसरे दिनों में पूरी करनी है ये लाजम है एक इंसान के लिए यहां पर आ गया कि दूसरे दूसरे दिनों में रोजों की तादाद पूरी करनी वो पिछले जो थे में उनमें क्या कहा गया फिर या और इनमें क्या कहा गया तो तादाद को पूरा करें। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है सख्ती करना नहीं चाहता बिकुमुल युसरा अल्लाह इरादा करता है तुम्हारे लिए युसरा नेकी का तो और जिस हदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किब्रियाई का इजहारो एतराफ़ करो और शुक्रगुजार बन जाओ किसके शुक्रगुजार बन जाओ अल्लाह के शुक्रगुजार गुजार बन जाओ, जाओ? जाओ। इससे ये बात समझ लेनी चाहिए कि रोज रमज़ान के रोज़ों को सिर्फ इबादत और तकवा की तरबियत ही नहीं करार दिया गया बल्कि उस उसमान हदायत पर अल्लाह का शुक्रिया जो है वो भी अदा करने को कहा जा रहा है व अला का और जब ये सवाल ये सवाल करते हैं व अला का और जब सवाल करें मेरे बंदे अल्लाह तला यहाँ पर अपने बंदों से डायरेक्ट जो है वो मुखातिब होके क्या कह रहे हैं वही इजाशा अलग और जब सवाल करें मेरे बंदे मेरे बारे में मेरे वो पूछते थे ना अहले किताब कहते थे कि आप अपने अल्लाह के बारे में सवाल करते थे तरह तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अल्लाह इस उसके जवाब में क्या करें कि जब मेरे बारे में तुमसे सवाल करें कि अल्लाह कैसा है अल्लाह कहाँ है तो अल्लाह क्या कह रहे हैं कि मेरे बंदे तुमसे मेरे मतलब पूछे तो उन्हें बता दो कि मैं उनके करीब ही हूँ पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ और जवाब देता हूँ लिहाजा इन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बई कहें और मुझ पर ईमान लेके आए शायद ये बात तुम इन्हें सुना दो ये बात तो मैंने सुना दो शायद ये के वो राह रास्त पर आ जाए आखिर अनिलहमद रबीमिन वन एटी सिक्स नंबर आज तक हमने पढ़ लिया इन कल जो है हम इससे अगली आयात की जो डिटेल है जो तफसीर है वो पढ़ेंगे आख़िर ला रबीआन आपसे इजाज़त चाहूँगी और इजाज़त चाहने से पहले रोज़ की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो पढ़ें उसकी रवैया करें और जो अल्लाह ने मोहलत का वक्त दिया है जो ये वक्त हमारे पास मौजूद है इसका शुक्र अदा करें और अपना वक्त एक एक लम्हा जो है जाया होने से बचाएँ दीन को सीखें दीन को आगे फैलाने में मावर और मददगार हों दावत दें दूसरों को भी और ये जो आप सुने कोशिश करें कि इस लिंक को अपने हल्का अहबाब की खवतन में शेयर करें ये जो तफसीर हम पढ़ा रहे हैं ये खातन के लिए है ठीक है इसको अपने खवतन के जो हल्का अहबाब है उसमें ज़रूर शेयर करें आपसे इजाज़त चाहूँगी कल इनशाला दोबारा आपसे मुलाकात होगी असलकम व्ला वर्क